वेलकम बैक नाजीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स की बात होती है रोज़, और आज भी हो रही थी। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता रहे थे, गाइड कर रहे थे कि एक्सरसाइज और डाइट तो आप जब कीजिएगा उसके साथ साथ कम अज़ कम 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर आपने साथ पीने हैं, क्योंकि इससे ये होगा कि आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल हाइड्रेटेड रहेगी, डिहाइड्रेटेड नहीं रहेगी, और सारे जो बुरे टॉक्सिन्स होते हैं आपकी बॉडी के वो सारे फ्लश आउट हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी से हमारा मेटाबॉलिज्म भी चलता है, हमें रात को अच्छी नींद भी आती है, और जो हमारी स्किन को हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, जो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, ये भी आपको पता है कि पानी की कमी की वजह से होते हैं। तो पानी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपकी डाइट का, और कम अज़ कम 8 से 10 ग्लास रोज़ पानी ज़रूर पीजिए। अगर आप नहीं पानी पीते तो आप ये नहीं कि बिल्कुल कोई ग्लास, अगर 1-2 ग्लासेस पी रहे हैं उससे एकदम जंप करना 10 से 12 तो ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 1 दिन 3, 1 दिन 3.5, 1 दिन 4, इस तरह ओवर द वीक्स आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी पानी की इनटेक को। और कोशिश ये कीजिए, आपको एक बड़ी मज़ेदार एक बात बताऊं, जो कि मैंने एक बहुत बड़ी रिसर्च डाइट प्रोग्राम्स के हवाले से एक दफ़ा पढ़ी थी, और उसमें ये था कि जब आप डाइट प्रोग्राम कोई ख़ास फॉलो कर रहे हैं, तो जब आपके लंच टाइम का वक्त आता है या खाने के वक्त का टाइम का वक्त आता है, तो उस वक़्त आप आधा ग्लास पानी अपना खाना खाने से पहले पी लीजिए। उससे ये होगा कि आपकी जो भूख है ना वो कम हो जाएगी, आपने जितना खाना खाना है वो तो आप खाएंगे, लेकिन उससे ये होगा ज़्यादा नहीं खाएंगे, आपकी भूख जो है वो बिल्कुल कंट्रोल्ड रहेगी। तो ये एक छोटी सी टिप थी, साथ हम बात करेंगे जी, एक कॉल ले लेते हैं। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक जी। सनिया कैसी हैं आप? मैं भी ठीक ठाक। आप ना, मुझे मेरा ना वेट ज्यादा है, मेरी एज है 23। अच्छा, मेरा वेट है 62 और मेरी हाइट है 5.2। एक मिनट मैं लिख लूँ, आपकी हाइट है 5.2 जी, और मेरी एज है 23, और आपकी जो अभी वजन जो है जी जी वो है 62। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा है ना सनिया? जी, मेरा वजन बहुत है। बड़ा फिक्र ना कीजिएगा, वजन आपका बिल्कुल गिर जाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। वो गाइड फ्रेंड्स है, भेज देना। बिल्कुल, आप लाइन पे रहिएगा, अपना पूरा नाम और एड्रेस के साथ हमारे कंट्रोल रूम में लिखवा दीजिए, इंशाल्लाह कल ही मैं तैयार करके आपका स्पेसिफिक आप ही की उम्र और आप ही की हाइट की बुनियाद पे बना हुआ डाइट प्लान इंशाल्लाह कल मैं आपको जरूर भिजवा दूंगी। लेकिन आपने इस पे फौरन अमल करना है, कोई इसमें चीज़ का इजाफा नहीं करना, और 8 हफ्ते तक दोनों एक्सरसाइज और ये एक्सरसाइज और डाइट प्लान, मेरा मतलब है दोनों को साथ साथ आपने बिल्कुल इस पे अमल करना है, इनको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, तभी आपका वज़न इंशाल्लाह आप देखिएगा कितना ज़्यादा सक्सेस रेट होता है और किस तरह वज़न गिरना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन दोबारा दोहराऊँगी कि जब आपका वज़न गिर जाता है और आप खुश हैं उस डिज़ायर्ड अपने वेट से, उसके बाद हमसे रब्ता कीजिए ताकि हम आपको गाइड कर सकें कि अब आपने आगे वेट बढ़ाना नहीं है, उसी वेट गिराए हुए वज़न को आपने आगे मेंटेन करना है, ताकि आप हेल्दी और फिट लाइफस्टाइल गुजारें और हेल्दी खाना खाएं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी डाइट में, बैलेंस डाइट में, क्योंकि जब तक हेल्दी आपकी डाइट नहीं होगी, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, फ्रेश फ्रूट्स, इसी को हम इनक्रेज भी करते हैं, आपको गाइड भी करते हैं कितना ज़्यादा ज़रूरी है फ़ास्ट फूड से दूर रहना, कैंड खाने से मज़ा तो आता है, फटाफट आप उसको बना तो लेते हैं, लेकिन जो फिर उसके असरात जितने बुरे होते हैं, क्योंकि उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एडिटिव्स होते हैं, फूड कलर होता है, बहुत से लोगों को स्पेशली जिनको दमे की तकलीफ़ है, एज़मा की तकलीफ़ है, उसमें ये होता है कि आपको फूड कलर से फ़ौरन एलर्जी होती है, लेकिन जब आप उस वक्त खा लेते हैं आपको पता नहीं चलता, और फिर उसके बाद खांसी और लॉस ऑफ ब्रेथ, इन सब चीज़ों का जो होता है एज़मा में, ये सब चीज़ें होती हैं, स्पेशली बच्चों में आपको ये बहुत इन चीज़ों का ख्याल करना होगा, उनको फास्ट फूड, फूड कलर, प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स से बिल्कुल दूर रखना होगा, बिकॉज इन चीज़ों से ही एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, और फिर जब वो रिएक्शंस होते हैं तो फिर आपको बीमारियां होती हैं, जैसे कि ट्रिगर करने के लिए एज़मा, जैसे कि एज़मा को आप
कि कहीं भी अगर आपने कलर थोड़ा सा फूड कलर खा लिया, आप देखें शाम को एकदम जिन बच्चों को या बड़ों को एस्मा की तकलीफ है, फौरन सांस नहीं आएगा, इनहेलर की ज़रूरत होगी और फिर उसके बाद नेज़ल कंजेशन हो जाता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाती है और इस तरह की सब चीज़ें, उस पर हम और मज़ीद एक दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मेरी आपको सिर्फ एक गुजारिश है कि प्लीज़ स्पेशली बच्चों को फास्ट फूड से दूर रखिए और इन कैंड और प्री पैकेज खानों की तरफ से, क्योंकि अगर एक दफ़ा इनको आदत हो गई आगे जाके फिर इनकी डाइट जो है इनको यही चीज़ें पसंद आएंगी और जो फ्रेश खाना घर में तैयार किया जा रहा है वो इनको पसंद नहीं आएगा। एक दफ़ा इनकी डाइट अगर अच्छी हो जाए तो आगे जाके इनको कभी वेट प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर वेट प्रॉब्लम नहीं होगी तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी, और वेट के साथ जो इतने सारे इश्यूज आते हैं जैसे कि बैक प्रॉब्लम्स और डायबिटीज़ वगैरह, हार्ट, ये सब चीज़ों से इंशाल्लाह वो सब महफूज रहेंगे। अच्छा जी, हम ले लेते हैं जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? मुनज़्ज़ा फहद बात कर रही हूं। जी मुनज़्ज़ा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बोल रही हैं? मैं लाहौर से बात जी। मुनज़्ज़ा, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? मुझे थोड़ा डाइट प्लान का चाहिए था और उसके साथ एक्सरसाइज, स्पेशली पेट के लिए जो आप कहती हैं। जी 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 मुनज़्ज़ा, बिल्कुल जरूर 100%। मुझे ये बताइए अपनी उम्र बताइए। 29। अच्छा, और अभी हाइट आपकी क्या है? 5'3". अच्छा, और अभी कितना है वेट? वेट तो माशाल्लाह से 85 है। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा है ना, थोड़ा सा ज़्यादा है ना। काफ़ी ज़्यादा। मैं कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन इंशाल्लाह ये वेट बिल्कुल चला जाएगा। आपने बिल्कुल दिल लगा के इस पे अमल करना है। हाँ, करेंगी? हाँ ठीक है, इंशाल्लाह आपको मैं ये तैयार करती हूँ। इंशाल्लाह दो दिन में हम आपको यहाँ से मेल करेंगे, तो बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे तक आपको ये डाइट ज़रूर मिल जाएगी, और जैसे मिल जाए तो आपने इस पर अमल फ़ौरन शुरू करना है। कोई चीटिंग नहीं करनी, कोई चीज़ का इजाफा नहीं करना, और ये रोज़ 8 हफ्ते लगातार आपने ये एक्सरसाइज करनी है और ये डाइट प्रोग्राम फॉलो करना है। ठीक है मुनज़्ज़ा, फिर दोबारा आपने मुझसे रब्ता करना है ताकि हम आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलें। ठीक है, गुड लक, खुदा हाफिज़ जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, हम थोड़ा सा बातें तो चलती रहेंगी एक्सरसाइज के बारे में, वेट लॉस प्रोग्राम्स के बारे में, डाइट प्लान्स के बारे में, और आपको कैसे हम इनको पहुंचाएंगे। लेकिन साथ साथ हम रेसिपी की भी तरफ आ जाते हैं। आपको मैं इंग्रेडिएंट्स नोट करवा दूं, इस रंगारंग मैक्सिकन राइस कैसे बनेगी, बहुत ही मज़ेदार और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। और ये भी नाज़रीन, हमारी बहुत कोशिश होती है कि बजट में चीज़ तैयार हो, इकोनॉमिकल हो, स्पेशली आजकल की महंगाई को नज़र में रखते हुए हम कोशिश यही होती है कि आपको सब्स्टिट्यूट्स बताएँ और बजट में चीज़ तैयार हो और फ्रेश हो और हेल्दी हो, इससे और हमें क्या चाहिए। अच्छा जी, आप हमें ये इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए मैक्सिकन राइस के। आपको एक अदद प्याज चाहिए बिल्कुल फाइनली चॉप, 2 अदद लहसुन चाहिए क्रश्ड, हसबे ज़रूरत नमक, उसके साथ 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत, उसके साथ आपको 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, उसके साथ 1 टीस्पून ड्राइड ओरिगनो, हर जगह आसानी से दस्तियाब है, 1 टीस्पून बिल्कुल पिसा हुआ ज़ीरा, उसके साथ आपको 1/3 कप टमाटो पेस्ट या टमाटो प्यूरी चाहिए होगी, उसके साथ 1 कप आपको बिल्कुल बारीक कटा हुआ फाइनली चॉप टमाटर, 2 अदद हरी मिर्चें बिल्कुल फाइनली चॉप्ड, उसके साथ हमें पानी हसबे ज़रूरत जितना आपको ज़रूरत हो, अप्रॉक्सीमेटली 3-4 टेबल स्पून मसाले को भूनने के लिए आपको 1/2 कप हमें कॉर्न चाहिए स्वीट कॉर्न, और लाल लोबिया 1/4 कप जो पहले से आपने लाल लोबिया उबाल लिया हो। अच्छा, उसके बाद आपको 1 कप बासमती चावल या कोई भी चावल चाहिए, एंड उसके बाद आपको 2 कप इसमें पानी की ज़रूरत होगी। तो हम क्यों ना अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं, और साथ साथ दोबारा से मैं आपको रिकैप करा दूंगी जैसे जैसे हम इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल करते जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे हमारा अपना फेवरेट डालडा कुकिंग ऑयल, कोलेस्ट्रॉल फ्री, विटामिन ए और डी से भरपूर। हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून ईजी पोर टेक्नोलॉजी के साथ डालडा कुकिंग ऑयल, और मीडियम आंच पे हमारी चूल्हे की आंच होगी, और जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें हम शामिल करेंगे 1 बिल्कुल फाइनली चॉप्ड प्याज। साथ हम ले लेते हैं जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? रेहाना बात कर रही हूँ। जी रेहाना, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? कहाँ से बोल रही हैं? मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी रेहाना, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? मुझे आपका डाइट प्लान और एक्सरसाइज का वो चाहिए था। बिल्कुल आपको मिल जाएगा। मुझे अपनी उम्र बताएंगी?
26 years. अच्छा, और मुझे अपनी हाइट बताइएगा. 5'4". अच्छा, अभी कितना है वजन मेरा? 69. हाँ, थोड़ा ज़्यादा है ना रेहाना, ये कम करना है ना आपको. जी जी, कम करना है. तो दिल लगा के आपने डाइट को फॉलो करना है और एक्सरसाइज को करेंगी. हाँ जी. हाँ, ठीक है. तो लाइन पे रहिएगा, हमारे कंट्रोल रूम में अपना पूरा नाम और एड्रेस नोट करवा दीजिए, ताकि मैं आपको आप ही की उम्र और हाइट के बुनियाद पे बना हुआ डाइट प्लान फौरन ही आपको भिजवा दूँ. और जैसे आपको मिल जाए तो प्लीज़ हमें नोटिफाई कर दीजिएगा कि आपको मिल चुका है. अच्छा जी, यहाँ पे नाज़रीन, यहाँ पे मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिया है, और प्याज को हमने बिल्कुल हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, और इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि बिल्कुल चॉप्ड है फाइनली. तो ये दो मिनट में बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा. अच्छा जी, इसके बाद आपने इसमें लहसुन शामिल करना है. लहसुन के साथ आपने दीगर पिसे हुए मसाले साथ साथ शामिल करने. दो अदद लहसुन आप शामिल कर दीजिए बिल्कुल क्रश्ड, या आप इसमें एक टीस्पून लहसुन पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं. अच्छा जी, अभी आप देखिएगा जैसे ही आप लहसुन शामिल करेंगे खूब सारी खुशबू आएगी. लहसुन को ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि वो बिल्कुल फिर कड़वा हो जाएगी हमारी डिश, और जो इसमें तेल जो है वो भी कड़वा हो जाएगा क्योंकि अगर आपने उसको ज़्यादा पका दिया. तो आपने सिर्फ 10 से 15 सेकंड, जैसे ही आपको लहसुन की खूब सारी खुशबू आने लगे उस वक्त आपने बाकी सारे दीगर मसाला जात शामिल करने. नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, वापस आके हम इसमें दीगर मसाला जात शामिल करेंगे, आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे और डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स भी आपको भेजते रहेंगे. तो हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाएगा, एंड वील बी राइट बैक.